हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेश किचन। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि आज बहुत ही सिंपल खाना खाना है, ज़्यादा तीखा नहीं, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं, और जो झटपट तैयार हो जाए। कुछ लेजी डेज होते हैं हमारे लाइफ में, तो आज ऐसे ही एक डिश के साथ हम आए हैं, खिचड़ी। खिचड़ी जो है दाल और चावल के साथ बनाते हैं, और इसमें हमने कोई मसाला नहीं ऐड करा और कुछ नहीं ऐड करा है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है। और इसी के साथ एक चटनी की रेसिपी है जो इसके साथ हम अच्छे से खा सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी मम्मी से पूछते हैं। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 1.5 कप राइस लिया है हमने, ये बारीक राइस है, आप चाहे तो बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हैं। 1.5 कप लिया है ऐसे हमने। अब 1.5 कप राइस के लिए हमने 1/3 कप मसूर दाल लिया है, पिंक कलर का दाल, ये 1/3 कप है। चावल और दाल को मिक्स करके धोकर अच्छे से साफ़ करके इसे हमने आधे घंटे तक भिगा कर रखा था। अब 1.5 कप ग्लास के लिए हमने 3 कप पानी लिया है, एक बड़ा प्याज स्लाइस कर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और स्वाद अनुसार नमक लिया है। अब एक कुकर गरम करके इसमें हमने घी डाल लिया है, 2.5 टेबलस्पून घी डालना है इसमें। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप तेल में ही बना सकते हैं, बट घी से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। गैस की आँच मीडियम पर रखें और जब घी गर्म हो जाए तब इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट होने तक हम भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, ब्राउन नहीं होना चाहिए और ये जलना भी नहीं चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अब देखिए हमारे प्याज जो है अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और लहसुन अदरक पेस्ट डालने के बाद इसका कच्चापन जाने तक हमें इसे भून लेना है। जब लहसुन अदरक में से अच्छे से स्मेल आने लगे तब तक हमें इसे भून लेना है। अब देखिए लहसुन अदरक जो है अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम 3 कप पानी डाल देंगे। 1.5 कप चावल के लिए हमने 3 कप पानी लिया है। अब इसी के साथ हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालें, जैसे हम घी राइस वगैरह बनाते हैं तब उसमें डालते हैं वैसे डाल देंगे, और इसका बॉईल होने तक वेट करेंगे। देखिए जब पानी ऐसे अच्छी तरह से बॉईल होने लगे तब इसमें चावल डाल देंगे और चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद आप नमक भी चेक करिए, अगर आपको कम लग रहा है तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसे बंद कर देंगे और 1 सीटी आने तक हम इसे मीडियम आंच पर पकाएंगे। जब 1 सीटी आ जाए तब आंच धीमी करके इसे 5 मिनट तक पका लेंगे। तब एक और सीटी आएगी, जब 2nd सीटी भी आ जाए तो गैस ऑफ कर देंगे और इसका प्रेशर रिलीज़ होने दें अपने आप। प्रेशर वगैरह सब अच्छी तरह से रिलीज़ हो चुका है अपने आप। अब इसे हम खोल कर आपको बताते हैं। तो देखिए हमारी खिचड़ी तैयार है, एकदम ज़बरदस्त, सिंपल और बहुत ही लाइट है और बहुत ही टेस्टी है। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें कुछ पकाने का मन नहीं करता, कुछ सिंपल सा जल्दी झटपट से बनाने का मन करता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें हैवी खाने का मन नहीं करता, कुछ चीज़ें मसाले बिना खाने का मन करता है। तो ऐसे ही झटपट तैयार होने वाली एक खिचड़ी है, और ये सुपर सिंपल है और सुपर टेस्टी है। ये खिचड़ी जो है ये आप ऐसे ही खा सकते हैं बिना किसी चीज़ के साथ, बिना कोई साइड डिश के साथ। लेकिन अगर आपको ऐसे ही खाने का मन नहीं है तो एक सिंपल चटनी की रेसिपी भी हम आपको बताएंगे। बहुत ही टेस्टी चटनी है, आप एक बार इसके साथ ऐसे मिलाकर खाएंगे तो आपको बार बार खाने का मन करेगा। ये एक बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है इस खिचड़ी के साथ। तो चलिए हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 1 टीस्पून हमने जीरा लिया है,
पाँच से छः लहसुन लिए हैं, पाँच से छः हरी मिर्चें लिए हैं, तीन बड़े टमाटर लिया है उसको काट लिया है, और एक कप भर के हमने पुदीना लिया है, एक चौथाई कप सेंगदाना लिया है, इसको भून लिया है एक बार तवे पे और इसके छिलके निकाल लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे छिलके निकाल लिए हैं, दो टेबलस्पून हमने तेल लिया है, इसको भी एक बार तवे पे भून लिया है। तड़के के लिए राई लिया है आधा टीस्पून, आधा टीस्पून जीरा लिया है, एक टीस्पून चना दाल लिया है और एक टीस्पून उड़द दाल लिया है, और दो से तीन चुटकी हमको हींग चाहिए इसके लिए। अब एक पैन को हमने मीडियम आंच पर गरम कर लिया है और इसमें दो टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल जब गरम हो जाए तब इसमें हम जीरा डाल देंगे और जीरा स्प्लटर होने तक हम इसे भून लेंगे। जब जीरा स्प्लटर हो जाए तब इसमें हम लहसुन और हरी मिर्चों को डालकर एक बार ऐसे 10 सेकेंड तक भून लेंगे, और इसी के साथ हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम भून लेंगे। टमाटर हमारे गल चुके हैं तब इसमें पुदीना डाल देंगे, और पुदीना और टमाटर अच्छे से मिक्स करके गलने तक हम इसे भून लेना है। तो देखिए जब ऐसा हो जाए तो अब गैस ऑफ कर दे और इसे ठंडा होने दे। तो अब एक मिक्सी जार ले और इसमें सेंगदाना और तिल डालकर इसको अच्छी तरह से पाउडर कर ले। अब जब पाउडर हो गया ये, तब इसके साथ हम टमाटर और पुदीने का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था वो डाल देंगे, और इसी के साथ ही हम एक नींबू का रस भी डालेंगे इसके साथ, जो मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, और दो से तीन टीस्पून पानी डालकर इसको अच्छे से एकदम स्मूथ पेस्ट में पीस लेंगे। देखिए हमारा चटनी जो है पिसकर रेडी है। इसको हम एक बर्तन में ले लेंगे और मिक्सर में जो भी बाकी है उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। अब इसे हम तड़का देंगे। तड़के के लिए हमने एक पैन गरम कर लिया है मीडियम आंच पर, और इसमें हमने 1.5 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। जब तेल गरम हो जाए तब इसमें हमने जीरा, राई, चना दाल और उड़द दाल जो लिया था वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसी के साथ हम हींग भी डाल देंगे, दो से तीन चुटकी हींग डाल देंगे, और चना दाल और उड़द दाल सब अच्छे से लाल होने तक हम इसे भून लेंगे। तो बस अब गैस ऑफ कर दे और इस तड़के को चटनी में ऐड कर देंगे। सभी अच्छी तरह से मिक्स कर ले, और कुछ नहीं करना है हमें, बस प्लेट में सर्व करना है, इसी के साथ खिचड़ी भी सर्व करना है, और एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही सिंपल है, एक बार खाएंगे तो आपको खाते रहने का मन करेगा। तो आप ट्राई करें और हमें बताइए कैसा लगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और नए रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।